देखिए, वर्ल्ड कप हम लोग का ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कंडीशंस को अडॉप्ट कैसे करते हैं, और डेफिनेटली कुछ वर्क करने की ज़रूरत है हम लोग को, और वो चीज़ें जो है आइडेंटिफाई की गई हैं और हम लोग उस पर काम करेंगे उससे पहले, जाने से पहले। और ऑस्ट्रेलिया में उससे पहले हमारे वेस्ट इंडीज़ के साथ मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में ही, और हमारा वहाँ पर कुछ दिन का कैंप है, तो डेफिनेटली हमारे पास एक अच्छी प्रेपरेशन के लिए टाइम है, और कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए उसे अपने आप को मेंटली और फिज़िकली उसको तैयार रखें। बिस्मा, जब बांग्लादेश यहाँ पर थी तो मैंने ही आपसे सवाल किया था, आपने जवाब में कहा था हमें अभी अपने बेंच स्ट्रेंथ को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। सवाए लास्ट T20 अगेंस्ट इंग्लैंड जो आप लोगों ने खेला, उसमें पाकिस्तानी टीम ने 140 एक रिस्पेक्टेबल टोटल किया। अदरवाइज आप पहले तीन वनडे मैचेस देख लो, वो 300 या 284 कर रहे थे, हम 209 पे जा रहे थे। तो इतना बड़ा गैप कैसे है? आप एक इंटरनेशनल टीम है, गो के आपके साथ यंगस्टर थे लेकिन निदा डार तजर्बाकार हैं, नाहिदा सो अच्छा खेलती रही हैं, कि परफॉर्मेंस का इतना बड़ा गैप, तो हमें चार्ट के ऊपर तो बहुत बड़ा जो है ना वो गैप दिखाई दिया। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ, अगर हम स्कोर शीट्स को देखेंगे और वैसे बात करेंगे तो गैप डेफिनेटली नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल क्रिकेट की बात करें, जिस दिन हमने 200 भी प्लस किए रन्स, हम लोग जिस पोजीशन में थे, हम लोग काफ़ी 250-260 वाली पोजीशन में थे, लेकिन बीच में हम लोग लैप्स किए, हम लोग के विकेट्स गिर गए, तो वो एक डेफिनेटली एक एरिया है कि जो कंसर्निंग है हम लोग के लिए, और जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हम लोगों ने ठीक करना है, और उसको ज़रूर हमारे ख्याल में, उसको आके हम कोशिश करेंगे इसको ठीक करें। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि हम लोग 2017 में पहले हम जहाँ पर उनके खिलाफ 100 रन्स करते थे, वहाँ पर हम लोग 200 लेकर गए, और उस पोजीशन में जहाँ पर हमें लगता था कि हम 250 कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, और वर्ल्ड नंबर 2 के साथ डेफिनेटली वो प्रोफेशनली हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कंपेटिटिव क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा है, और इस चीज़ में हम लोग लर्न कर रहे हैं, और डेफिनेटली इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे जल्दी ठीक करें। इसमें सना मीर टीम में नहीं थी, तो दोनों फॉर्मेट में आपने कितना उनको मिस किया, और आगे उनका क्या प्लान है, आपको ज्वाइन कर रही है आगे वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, सना टॉप परफॉर्मर है, और डेफिनेटली एक्सपीरियंस को मिस किया गया है, और जितना इनका सीनियर इनका इनपुट है डेफिनेटली वो मिस किया, और बाकी जो फ्यूचर की बात है, मेरे ख्याल से सना ने खुद ही अपने लिए डिसीजन लिया था, वो अवेलेबल नहीं थी सीरीज़ के लिए, और मेरे ख्याल से हमें जल्दी पता चल जाएगा कि आगे वो अवेलेबल है हम सिलेक्शन के लिए कि नहीं। हमने बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ खेली, भरपूर हमारी लड़कियां परफॉर्मेंस भी देती हुई दिखाई दी, समझती हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ भी जो है वो हमें अपनी सॉइल पर खेलनी चाहिए थी, लाहौर में मैचेस होते, पिंडी में मैचेस होते, जो एक भरपूर एक तरीके जो हम कर रहे हैं कि भरपूर क्रिकेट वापस ला रहे हैं अपने मुल्क में, अगर इंग्लैंड पाकिस्तान में होती तो कुछ रिजल्ट्स तब्दील हो सकते थे, कुछ आपको अपनी कंडीशन से फ़ायदा हो सकता था? जी बिल्कुल, हम लोग बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना, और जाने से पहले भी मैंने ये बात की थी कि अगर हम लोग के जिस तरह का हम लोग को एनवायरनमेंट बांग्लादेश में मिला था और सपोर्ट मिली थी अपने होम ग्राउंड में, तो मैंने विद इन टीम बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक और एक पैशन हम लोगों ने फील किया था टीम में, और जो कि ग्राउंड में बहुत हेल्प करता है। मेरे ख्याल से अगर हमारी क्रिकेट यहाँ पर होने लगे, डेफिनेटली एज प्लेयर्स और एज टीम हम लोग की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी। हम अच्छा बिस्मा, आपसे सवाल था कि सना मीर को विजडन टीम का कैप्टन अनाउंस किया गया है, उसके अलावा निदा डार थी वो बीबीएल के अंदर उन्होंने नुमाइंदगी की, तो कैसा लगता है कि पाकिस्तान वुमेन टीम की जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत एहसास की बात है दोनों के लिए, और बहुत फ़ख्र हम लोग महसूस करते हैं इस टीम, और प्राउड उनके लिए इंडिविजुअली और पाकिस्तान के लिए, और हम लोग यही चाहते हैं कि हम ग्लोबली पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि कोई भी लड़की अगर इंडिविजुअल नाम मारा है लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। मिस्मा, ये बताइएगा, इंग्लैंड से हारने के बाद आप क्या समझती हैं वर्ल्ड कप की तैयारी, हम कहाँ खड़े हैं कि हमने वहाँ से नंबर वन से भी खेलना है, नंबर टू से भी खेलना है, और कहाँ पाकिस्तानी टीम खड़ी है कि इसी तरह सर्वाइव करते रहेंगे? देखिए, जो ग्रुप में हमारी टीम्स हैं हम उनको हरा चुके हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ाइट आउट करना है इस वक्त एज टीम वो कंडीशन से है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी ट्रैक है और फास्ट ट्रैक्स है, तो हम लोग उस पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली हम लोग अगर यहीं पर भी काम करेंगे उसी पर बाउंस की और फास्ट ट्रैक की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग ज़्यादा कंडीशन से अडॉप्ट करें, और T20 आपको पता है फास्ट क्रिकेट है, तो आपको उस पर ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता सेटल करने के लिए, तो हम लोग को यहीं से मेंटली और फिजिकली उसको तैयार होकर जाना पड़ेगा।
کتنی کتنی کی تیاری ہے اور جو آپ سوچ رہے ہو کیا چیزیں ہیں جو ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کم تھیں جیسے بیٹنگ میں یا بالنگ میں یا فیلڈنگ میں, کس جگہ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت؟ فیلڈنگ ہم لوگ کی فیلڈنگ کی نوٹ ہم لوگوں کو کافی امپروو کیا ہے ہم لوگوں نے, لیکن ہم لوگ کے مومنٹس ایسے ہیں بیچ میں کہ ہم لوگ لیپسس کر جاتے ہیں, وہ کروشل مومنٹس پہ ہم لوگ نے کام کرنا ہے کہ ہم لوگ اس کو کروشل مومنٹس کو کیش ان کریں تاکہ ریزلٹس اپنے فیور میں کریں. باقی بیٹنگ میں ہم لوگ ایک چیز جو بہت کامنلی دیکھی گئی ہے کہ ہم لوگ کی وکٹس اوپر نیچے گر رہی ہیں بہت جلدی, ہم لوگ کو اس میں پارٹنرشپس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کانشیسلی ہم لوگ اس پہ کام کریں گے. اور فیلڈ بالنگ اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیانا بیگ ایک ایسی بالر تھیں جو کہ تھرو آؤٹ 6 میچز کھیلی ہیں اور وہ ایک واحد بالر تھے جن کی پرفارمنس اینڈ تک بہت زیادہ امپروو کیا بڑی ٹیم کے خلاف, تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے اور میرے خیال سے اسی طرح باقی بالرس کو بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی انڈیویجولی کافی اپنی گیم پہ دیکھا کہ ان کو کیا چیز لرن کرنے کی ضرورت ہے. T20 از اٹس اباؤٹ کہ ہم لوگ ویریشنس پہ کتنا زیادہ کام کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم زیادہ کوشش کریں گے ہم ویریشنس پہ ایز بالرس کام کریں.